नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर का पोर्शन। तो मैंने बताया था कुछ पोर्शन आपका ऐसा था जो ऑपरेटर पढ़ने के लिए आवश्यक था और वो आपका फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत था। अब इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है वो है ऑपरेटर, तो वहाँ से उसका एक लेक्चर शुरुआत में मैंने ले लिया था, अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ऑपरेटर। देखो, एनर्जी ऑपरेटर को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो आप, किसी किसी बुक में इस तरीके से कर रखा है, कहीं कहीं इस तरीके से भी कर रखा है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसके लिए देखो, आपको श्रोडिंगर के अनुसार वेव फंक्शन क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। श्रोडिंगर की इक्वेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना, आगे की यूनिट में, जो आपकी थर्ड यूनिट है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो, ऑपरेटर समझने के लिए उसकी आवश्यकता है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, श्रोडिंगर के अनुसार, है ना, क्या वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन किसके लिए? फॉर ए फ्रीली मूविंग पार्टिकल, एक ऐसे पार्टिकल के लिए, कण के लिए, जो फ्रीली मूविंग कर हो रहा है, माने मोशन कर रहा है फ्रीली, ठीक है जी, एक समान रूप से यानी स्वतंत्रपूर्वक गति कर रहा है। तो इसे आप याद रखेंगे, देखो साई वेक्टर आर टी, साई के ब्रैकेट में वेक्टर आर टी होने का क्या मतलब है, यानी साई फंक्शन है वेक्टर आर का, यानी पोजीशन का, और टी यानी टाइम का। साई क्या है? वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन समझने के लिए आप, है ना, एक लेक्चर है इससे पहले वाला, वो देख लीजिए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक दे देता हूँ, है ना। पहले वेव फंक्शन समझ लो, फिर अपना अच्छे समझ में आ जाएगा। तो साई वेक्टर आर टी क्या होता है? ए ई की पावर आई अपॉन एच कट, एच कट आपको बताया एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए इंटू टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? वेव फंक्शन है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। क्लियर? तो इसमें देखो कौन सी चीज़ क्या क्या है, वेयर करके आप लिख दियो इधर, है ना, इधर लिख लियो। मैं बता दूं आपको, वेयर वेक्टर पी बराबर क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर आर क्या है? पोजिशन वैक्टर, है ना, ऑफ पार्टिकल। वैक्टर ई क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टी क्या है? टाइम, ठीक है। एच कट क्या है? एच अपॉन टू पाई। एच क्या होता है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सब पता है आपको, ठीक है जी, सब हो गया। आई आप जानते हो, इमेजिनरी नंबर, जो आई स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है, ठीक है। साई तो वेव फंक्शन है ही। तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, इसे डिफ्रेंशिएट पार्शियली, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा? डेल साई ओवर डेल टी बराबर, ए कॉन्स्टेंट है, ई की पावर का तो डिफरेंशियल ई की पावर वही रहता है, तो आई अपॉन एच कट, यही सारे रहेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फिर पावर का करते हैं, तो जब पावर का करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो तो इसका तो जीरो हो जाएगा, माइनस वेक्टर ई का कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, टी का वन हो जाएगा, ठीक है। और पावर का जब करोगे तो बाहर ये भी तो रहेगा, आई अपॉन एच कट, भाई पावर का कर रहे हो ना, ई की पावर का तो सारा एज इट इज रहा, फिर पावर का करोगे तो आई अपॉन एच कट बाहर है, इसका जीरो हो गया और टी का वन हो गया, ई ऐसे रहा, समझ गए। तो डेल साई ओवर डेल टी बराबर, ध्यान दो, ये जो है ना माइनस का,
ए है ना, और ये आई अपॉन एच कट और वेक्टर ई, ठीक है, ये सारे एक साथ लिख लो। बल्कि एक काम और कर लो, देखो आप एक बात देख पा रहे हैं, ये जो सारा है ये क्वेश्चन वन में किसके बराबर है, साई के बराबर है, तो इस सारे की जगह आप क्या रख दो, साई, ठीक है, इस सारे की जगह क्या रख दो, साई, तो माइनस का आई अपॉन एच कट वेक्टर ई लिख लिया मैंने, और इस सारे के स्थान पर मैं यहाँ से क्या रख दूँ इक्वेशन फर्स्ट से, साई, क्लियर है, कहाँ से रखा है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, ये जो माइनस है, माइनस तो आप जानते हो, यहाँ से आप एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी, माने ये जो है ना, ये इधर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस भी इधर ले जाओ, एच कट अपॉन में साई, वो अपॉन में आई, ठीक है, एच उधर गया, एच कट ऊपर, आई अपॉन में आया, माइनस भी इधर आ गया, डेल साई ओवर डेल टी, और ये बराबर में क्या आएगा, ई, ठीक है, वेक्टर ई और इनटू साई, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, माइनस वन है ना ये एक तरीके से, तो माइनस वन वैल्यू होती है आई स्क्वायर की, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है ना, तो इस माइनस वन की जगह रख दो आई स्क्वायर, और ये एच कट अपॉन आई है, डेल साई ओवर डेल टी बराबर में है ई साई, ठीक है। इसके बाद इधर देख लो, तो ई साई क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एक आई बचेगा, आई एच कट एक आई बचेगा ऊपर, और ये डेल साई ओवर डेल टी, ठीक है। आपको ऑपरेटर देखना है, तो ऑपरेटर माने एनर्जी ऑपरेटर, ये तो फंक्शन है, ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है, ऑपरेटर भाई फंक्शन तो साई है, साई को इधर छोड़ दो तो जो बचा ऑपरेटर, साई को इधर छोड़ दो तो जो बचा सारा वो क्या है, ऑपरेटर। तो इसका मतलब है फ्रॉम अबव इक्वेशन लिख दो, यहाँ फ्रॉम अबव इक्वेशन है ना, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, एनर्जी ऑपरेटर। तो जब इसे ऑपरेटर के रूप में लिखोगे ई को, तो ई पर कैप लगा लो, ठीक है, क्लियर है, प्रगति की बुक में कैप लगा के दे रखा है, और बुक में भी कहीं में इस तरीके से ज़्यादा चलन है, तो इस तरीके से लिख लो, एनर्जी ऑपरेटर है ना, इधर साई को छोड़ा तो जो ई है वो क्या है, ऑपरेटर है, इधर साई यानी फंक्शन को छोड़ दो तो जो बचा वो ऑपरेटर है, तो आई एच कट और डेल ओवर डेल टी, ठीक है। तो एनर्जी ऑपरेटर आपको निकालना था, तो एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, यानी किसी भी फंक्शन का आपको एनर्जी ऑपरेटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आई एच कट डेल ओवर डेल टी, और इधर आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, जिसका भी निकालना हो, तो एनर्जी ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एनर्जी ऑपरेटर, क्लियर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कर लेते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, आइए इसके बाद देख लेते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है जी, मोमेंटम ऑपरेटर को आप लिख सकते हो पी कैप से या पी ऑपरेटर से, ठीक है। देखो इक्वेशन वन तक सब कुछ सेम रहेगा है ना, और ये जो वेयर करके लिखा था वो भी सब सेम रहेगा। अब जो बदलेगा वो यहाँ से बदलेगा, ठीक है जी। तो वी हैव, देखो वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वेक्टर पी बराबर क्या होता है भाई, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पता है ना ये तो आपको। तो आप निकाल लो वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, वेक्टर पी है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप,
डॉट। वेक्टर आर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर क्या आएगा? क्रॉस मल, ये क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई डॉट आई वन होता है तो पी एक्स इंटू एक्स, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, छोड़ो जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे करो तो पी वाई इंटू वाई। ठीक है, जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के बचेगा सिर्फ पी जेड इंटू जेड। यानी आपको पता है कि आई के आई में करनी है, जे के जे में, के के में, बाकी सब जीरो हो जाएगा तो छोड़ो। तो ये आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो वहाँ पर फर्स्ट में। फर्स्ट इम्प्लाइज साई वेक्टर आर टी बराबर क्या आएगा? ए ए की पावर आई अपॉन एच कट, ये हो जाएगा पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस पी जेड इंटू जेड और माइनस का वेक्टर ही इंटू टी। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट पार्शियली, ये तो मैथमेटिक्स है बिल्कुल, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इधर कर दें तो क्या आएगा, डेल साई ओवर डेल एक्स। ठीक है भाई, ए ई की पावर का तो वही रहता है, सेम लिख दो, आई अपॉन एच कट पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड माइनस का वेक्टर ई इंटू टी। फिर पावर का करते हो, तो जब पावर का करोगे ना तो ये आई अपॉन एच कट ये तो बाहर रहेगा, और पावर का करोगे तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का हो जाएगा 1, सिर्फ क्या बचेगा पी एक्स, और बाकी सब वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट है, सबका जीरो हो जाएगा। ठीक है, छोड़ ही दूँ, सबका जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशियल में जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही होता है वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल साई ओवर डेल एक्स, क्या आ जाएगा, ए आई अपॉन एच कट और इंटू में क्या है पी एक्स। ठीक है, और ये तो बचेगा ही, ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड और माइनस का वेक्टर ई इंटू टी। ठीक है, अगेन करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और कैसे, पार्शियली वे है वो, है ना, क्या आएगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर। देखो अगेन करोगे तो ये तो भाई ऐसे रहेगा आई अपॉन एच कट पी एक्स, और ये फिर इसका करोगे तो ऐसे ई की पावर का तो वही रहता है आई अपॉन एच कट पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड माइनस का वेक्टर ही टी, है ना, और जब इसका करोगे तो आई अपॉन एच कट तो बाहर रहेगा, और फिर उसी का करोगे तो पी एक्स बचेगा, बाकी सबका जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले की तरह ही, तो बचेगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। देखो आई अपॉन एच कट पी एक्स, तो आई अपॉन एच कट पी एक्स, एक ये रहा आई अपॉन एच कट पी एक्स, एक वो रहा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ए है, ए ये लिख लिया मैंने, और सारा ये लिख रहा हूँ मैं, ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड माइनस का वेक्टर ई इंटू टी। ठीक है, और ये खुद देख के बताओ, ये ना रहा कहाँ पर, यहाँ पर, इसे डाल दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, खुद देख के बताओ, ये सारा यही तो है, साई है मतलब, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, साई, तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर है आई एच कट आई अपॉन एच कट पी एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में साई। ये साई है, साई की वैल्यू कहाँ से रखी, फ्रॉम सेकंड, साई के ब्रैकेट में वेक्टर आर टी मत लिखो, चाहे लिख लो चाहे,
इसका मतलब ये है कि साई फंक्शन होता है आर और टी का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक इधर से रफ कर दो। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक आपको? देखो इसी के प्रकार है ना, इसी तरह सिमिलरली ये x के लिए करा आपने, y के लिए करियो डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, बस x की जगह y आ जाएगा, मतलब i अपॉन h कट और यहाँ पी वाई आ जाएगा। और यहाँ क्या, यहाँ साई तो साई रहेगा, ऐसे z के लिए करो डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर आई अपॉन एच कट पी जेड का होल स्क्वायर इंटू साई। क्लियर है? इक्वेशन दो तो होगी थी, ये थ्री होगी, ये फोर होगी, ये फाइव हो गई, ठीक है। इक्वेशन थ्री को, फोर को और फाइव को ऐड कर दो। वी हैव, देखो ऐड करो तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इन्हें भी जोड़ो, आई अपॉन एच कट पी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, बल्कि आई अपॉन एच कट पी वाई का होल स्क्वायर प्लस आई अपॉन एच कट पी जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें साई कॉमन ले लो तो डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, और साई ले लिया मैंने कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, इसमें है आई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं, ये जो होता है डेल टू वो डेल डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये होता है डेल स्क्वायर, पता आपको? इसे कहते हैं लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इस सारे की जगह आप डेल स्क्वायर लिख सकते हो, ये डेल होता है साई बराबर आई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो पी बराबर होता है अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको। जैसे वेक्टर आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर। समझ गए कैसे कैसे आया, यहाँ लिख दिया, आई बात समझ में? और इधर का साई छूट गया क्या? नहीं, साई तो इधर है, ठीक है। तो यहाँ से बता दो आप मुझे पी पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, बल्कि है ना, यहाँ से साई छूटा है ना, देखो साई छोटा था ना मैं कह रहा, तो यहाँ साई स्क्वायर है ना, यहाँ भी क्या है साई स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है साई स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि साई था समय, बल्कि साई स्क्वायर नहीं, साई है केवल, है ना, ठीक है, साई है केवल, है ना, तो साई है तो यहाँ भी क्या है साई। देखो गलत हो जाता है ना तो पता चल जाता है, ये प्रैक्टिस होती है, यहाँ क्या है साई। दोनों तरफ का साई छोड़ दो, ऑपरेटर की बात करनी है हमें, तो साई तो क्या है फंक्शन है। इसके बाद इधर देख लो तो बचेगा डेल स्क्वायर बराबर आई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर है और इधर पी स्क्वायर है, ठीक है, साई दोनों तरफ का छोड़ दो। पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जब पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दो तो डेल बराबर क्या आएगा आई अपॉन एच कट और पी। अब पी ऑपरेटर है क्योंकि वो छोड़ दिया आपने साई फंक्शन, तो कैप लगा दो तो पी कैप बराबर क्या आएगा एच कट अपॉन आई और यहाँ डेल, ठीक है। आई से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या आएगा
एच कट है आई है और अपॉन में आई स्क्वायर है, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, मैंने आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ क्या है डेल। आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है आपको पता है, तो पी कैप बराबर क्या आएगा, माइनस का एच कट आई और डेल। ठीक है, इस तरीके से ये आपको क्या मिला है, मोमेंटम ऑपरेटर है ना। आई एच आई को पहले लिख सकते हो माइनस का आई एच कट डेल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या मिला आपको, मोमेंटम ऑपरेटर है ना। तो चाहो तो आप पी एक्स पी वाई पी जेड में इसे करना चाहो कर सकते हो, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो है ना। देखो चाहो तो आप इसे है ना पी एक्स पी वाई पी जेड में कर सकते हो। देखो कैसे, पी को आप लिख सकते हो पी एक्स, ऑपरेटर के तौर पे लिख रहे हैं तो कैप लगा लो इस पर भी, पी वाई कैप जे कैप प्लस पी जेड कैप के कैप, पता है ना आपको, ऐसे लिख सकते हैं माइनस का आई एच कट। और डेल क्या होता है, डेल तो आपको बताइए, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, मैं आपको बता दूं वेयर डेल जो है ना इसे ग्रेडियंट कहते हैं और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, मैं लिखना चाहूँ लिख लो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक, कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ, क्या आएगा, पी एक्स कैप बराबर आएगा माइनस का आई एच कट तो बाहर ही है और यहाँ डेल ओवर डेल एक्स। इसी प्रकार पी वाई देख लो, पी वाई कैप माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल वाई। ये मोमेंटम ऑपरेटर एलोंग एक्स एक्सिस है, ये मोमेंटम ऑपरेटर एलोंग वाई एक्सिस है, और इसी प्रकार मोमेंटम ऑपरेटर एलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, डेल ओवर डेल जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है, यहाँ फंक्शन लगाओगे वहाँ भी फंक्शन लग जाएगा। तो मोमेंटम ऑपरेटर मतलब मोमेंटम निकालना हो तो इससे ऑपरेट कर दो। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर दोनों कराए। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आए होंगे, बाकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आपकी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।